बारिश गाना भाई, इसने तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड सभी को झुमा दिया है। पवन और पायल की आवाज़ की जो कशिश है वो लोगों तक इस तरह पहुंची कि गाना नंबर वन ट्रेंडिंग पर चला गया और व्यूज़ वाइज भी ये गाना लगातार बढ़ ही रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई इस गाने के लिए पवन सिंह ने चार्ज कितना किया होगा, जी हाँ कितने पैसे लिए होंगे। तो आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि पवन ने अब तक की सबसे बड़ी रकम ली है इस गाने के लिए। जी हाँ, एक गाने के लिए अमूमन भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना भी बड़ा सिंगर हो 4 से 5 लाख, इससे ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं करता, लेकिन पवन सिंह ने इस गाने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज किए और मेकर्स ने उन्हें खुशी खुशी दे भी दिए। जी हाँ, भोजपुरी के पहले बड़े और सबसे कामयाब सिंगरों की बात कभी भी की जाएगी तो पवन का नाम उसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा। साथ ही साथ मनोज तिवारी के बाद सबसे ज़्यादा किसी ने पैसे चार्ज किए हैं एज अ सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो वो कोई और नहीं, पवन सिंह है। जी हाँ, पवन सिंह से पहले सबसे ज़्यादा पैसा मनोज तिवारी लिया करते थे और अब पवन सिंह ने अपने इस गाने के बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे पवन सिंह हमेशा अपने एक गाने का चार्ज 5 लाख रुपए रखा करते थे, वो कोई भी गाना गाते थे 5 लाख रुपए वो चार्ज ही था उनका। लेकिन ये गाना बड़ा है और सभी जानते हैं कि पवन की आवाज़ कितनी मधुर है। पवन ने अपने इस गाने के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और भाई पेमेंट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भोजपुरी के वो पहले सिंगर बन गए हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला, सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला और सबसे ज़्यादा पैसे यानी कि फीस चार्ज करने वाला ही एक्टर बन चुके हैं। जी हाँ, पवन सिंह अब भोजपुरी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, लोगों को ये रास भी आ रहा है। साथ ही साथ वो अपने से हर एक निगेटिव पब्लिसिटी दूर रख रहे हैं, इससे पवन सिंह को उनके इमेज के लिए बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।